वालेकुम क्लास सिक्स। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी और बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है वो हिस्से जो आपके तकरीरों में, आपकी बातों में इस्तेमाल होते हैं, आपकी रेगुलर लाइफ में वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमारी बातों के हिस्से हैं, ये हमारी स्पीच के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो नंबर वन है नाउन। नाउन आप सबको पता है, यहाँ लिखा है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जैसे कि हम वन क्लास से पढ़ते रहे, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है क्लास, तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड मतलब नाउन किसी भी चीज़ का नाम है। ठीक है, अली, कराची, कोई भी लोकेशन, कोई भी शख्स। ठीक है, सेकेंड वन इज प्रोनाउन। हमने पहले नाउन की बात की, अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बोलूँ हानिया इज़ अ गुड गर्ल, मैं आगे बोलती हूँ शी इज़ अ गुड गर्ल, हानिया की जगह मैंने क्या यूज़ कर दिया? शी। इसी तरह लड़की, आमिर इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, मैंने आमिर की जगह क्या यूज़ कर दिया? बेटा, ही यूज़ कर दिया। तो हम सबको पता है ये तो कि लड़की के लिए शी यूज़ होता है, लड़के के लिए ही यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज़ होता है। ठीक है क्लास, तो प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, थर्ड वन इज वर्ब। हम ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ब क्या होता है भाई? वर्ब किसी भी काम को बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। ठीक है क्लास, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना। अच्छा, ये तो हमें पहले से बता दें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। अब वर्ब से रिलेटेड एक और है एड वर्ब। दोनों में देखें वर्ब आ रहा है, इसमें भी वर्ब आ रहा है और इसमें भी वर्ब आ रहा है, तो मतलब इन दोनों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। ठीक है, तो अब देखें वर्ब किसी भी काम को बोलते हैं, और जाहिर है अब हम कोई काम कर रहे हैं क्लास, तो वो काम अच्छा भी हो सकता है, वो काम बुरा भी हो सकता है, तो उस काम की अच्छाई या बुराई को हम क्या कहते हैं? एड वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब आर एक्शन वर्ड्स एंड एड वर्ब्स क्या है? इट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ वर्ब। ये वर्ब की क्वालिटी को, वर्ब की खूबी खामी को बयान करता है। मैं बोलूँ शी रन स्लोली, वो दौड़ती है, काम तो कर रही है मगर कैसे दौड़ती है क्लास? स्लोली, यानी आहिस्ता से दौड़ती है। तो ये स्लोली क्या है? स्लोली एडवर्ब है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब जब वर्ब और एडवर्ब की बात है, तो वर्ब और एडवर्ब दोनों में क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, तो इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? तो ये आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें वर्ब आ रहा है और इसमें शुरू में एड लग गया, तो उसमें क्या है किसी भी चीज़ की, उसमें हम इसमें दोनों का डिफरेंस है कि उसमें ऐड नहीं और इसमें क्या है? ऐड है। तो किसी भी काम को वर्ब कहते हैं, किसी भी चीज़ की खूबियां खामी को क्या बोलते हैं? एडवर्ब। किसी भी काम की खूबियां खामी को क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। अब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बता लूँ से नाउन से, जिस तरह किसी भी काम की खूबियां खामी को एडवर्ब कहते हैं, इसी तरह किसी भी नाम की, किसी भी नाउन की अच्छाई या बुराई को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। मैं बोलूँ गुड या फिर बैड, इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। मैं बोलूँ कि हानिया इज़ अ गुड गर्ल, हानिया क्या है? हानिया एक नाउन है, लेकिन हानिया कैसी लड़की है भाई? गुड गर्ल है ना, अच्छी लड़की है, अच्छी बच्ची है, तो गुड क्या है यहाँ पे? गुड हमारे पास नाउन है। ओके क्लास, तो नाउन की अच्छाई, या फिर आमिर इज़ अ बैड बॉय, आमिर लड़का है, आमिर नाउन है, बॉय भी नाउन है और आमिर भी क्या नाउन है, लेकिन कैसा लड़का है भाई? बैड बॉय है ना, गंदा बच्चा है, गंदा लड़का है। तो गुड और बैड नाउन की अच्छाई या बुराई हो गई है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। एक बार और रिपीट करूँगी, वर्ब किसी भी काम को बोलते हैं, एडवर्ब किसी भी काम की अच्छाई या बुराई को बोलते हैं, और एडजेक्टिव किसी भी नाउन की अच्छाई या बुराई को बोलते हैं। ओके, नाउ कंजक्शन। कंजक्शन ऐसी होती है कि मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, पहले उर्दू में बताऊंगी, उसके बाद जो मैंने यहाँ लिखा है वो समझाऊंगी। कंजक्शन, मैं स्कूल जाती हूँ और मैं ट्यूशन भी जाऊंगी, और ने क्या किया? इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ दिया। तो वो वर्ड, वो एक अल्फाज जो दो जुमलों को आपस में जोड़ दे, वो क्या होता है? कंजक्शन होता है। अब एक एग्जाम्पल दूंगी आपको, देखिए पहले ये देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, द वर्ड डैट ज्वाइन टू सेंटेंसेस, वो लफ्ज जो दो जुमलों को जोड़ दे, मिसाल के तौर पे इफ, बट, एंड और वगैरह वगैरह। सही है क्लास, मैं बोलूँ एक एग्जांपल आपको इंग्लिश में भी दूंगी, उर्दू में दी, इंग्लिश में दूंगी, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, एंड शी विल गो टू स्कूल, एंड शी विल गो टू ट्यूशन, और वो ट्यूशन जाएगी। ओके क्लास,
तो मैंने इन दोनों जुमलों को एक ही साथ कर दिया बीच में एंड का इस्तेमाल करके. तो एंड क्या है? एंड हमारा कंजक्शन है. ठीक है, नाउ इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन आपके इमोशंस को जो वर्ड जाहिर करे वो क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है. जैसे कि मैं बोलूँ हुर्रा वी विल विन द मैच, या फिर वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए या हम मैच जीतेंगे. तो हुर्रा क्या है? हुर्रा आपके इमोशंस को जाहिर कर रहा है, या खुशी का इमोशन है. अच्छा, कुछ इमोशंस खुशी के होते हैं, कुछ इमोशंस गम के होते हैं. तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है. खुशी और गम जैसे भी इमोशंस हों वो सब किस में आते हैं? आपके इंटरजेक्शन में आते हैं. हुर्रा अलास यानी अफसोस वाला रिएक्शन है ये. ठीक है, और हम इसकी मोस्टली पहचान क्या होती है? बच्चे से बोलते हैं उल्टा ही हमने बना दिया. वो उल्टा ही वो बेसिकली एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, जैसे हम अलास के बाद देख सकते हैं. यानी जहाँ पर भी ऐसे अफसोस वाले, खुशी वाले, याहू, हुर्रा, अलास ये वाले वर्ड्स हों और इनके बाद उल्टा आई, यानी जिसको आप उल्टा आई कहते हैं, लेकिन फिर बोलूँगी वो उल्टा ही नहीं, वो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. एक्सक्लेमेशन का साइन हो वो क्या कहलाता है? वो देख के आप समझ जाएंगे कि भाई ये क्या है, यहाँ पर इंटरजेक्शन यूज़ हुआ. ये सब वर्ड्स किस में आते हैं? इंटरजेक्शन में आते हैं. एंड द लास्ट वन इज प्रीपोजिशन. इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है प्री का मतलब क्या होता है? पहले. यानी पोजिशन से पहले जो इस्तेमाल हो वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन. किसी भी को ये क्या जाहिर करता है? टाइम, पोजिशन, आपके डायरेक्शन और लोकेशन, इनसे पहले इस्तेमाल होता है ये. ठीक है, प्री मीन्स पहले. आपने साइंस में पढ़ा होगा प्री मीन्स पहले. ठीक है क्लास, मिसाल के तौर पर वी वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल, हम स्कूल गए ऑन मंडे. स्कूल क्या है क्लास? मैंने आपको फिर बताती हूँ, मैंने आपको क्या बोला? लोकेशन, टाइम, पोजीशन एंड डायरेक्शन से पहले इस्तेमाल होगा. प्री को देख के समझ जाएंगे इन चारों वर्ड से पहले, इन चारों वर्ड के बाद नहीं, इन चारों वर्ड से पहले. जैसे कि स्कूल, स्कूल इज लोकेशन, और स्कूल से पहले मैंने क्या लगाया क्लास? टू लगाया. देखिए मैंने टू पे बॉक्स बनाया हुआ है पिंक कलर के चौक से, आपको नज़र आ रहा होगा साफ. टू क्या है क्लास? टू लोकेशन से पहले मैंने टू लगाया. तो मैंने वही बात जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, लोकेशन से पहले हम इन चारों चीज़ों के, लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, पोजीशन, इन चारों से पहले यूज़ करते हैं. मंडे, मंडे से टाइम, मैंने मंडे से पहले क्या लगाया? ऑन. ओके क्लास, आई होप सबको समझ आ गया होगा. थैंक यू.